चार पांच छह सात आठ बस 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 बारह पाप धुल जाए नाले एक डुबकी मार ले सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ पर खुद मत धुल जाइयो यहाँ से। बोल गंगे मैया की जय। हमें अच्छी सद्बुद्धि देना और अच्छे से प्लेसमेंट लग जाए हमारी। दुनिया को नाम है पढ़ रो देवतों का यहाँ राज है चलो शांति पूर्ण तू राज्य में आ रे मेरो सबसे खास है देखनो ठंड हवा चले ठंड चुपानी बारह महीने से ठंड में नानी जल्दी से जानी जल्दी जग सो हेलो गाइस स्वागत है आप सबका रावत भाई के चैनल में। हम सब आ रखे हैं सारे दोस्त आज टिहरी भ्रमण पे अपने घूमने के लिए। चार दिन का हमारा टूर है नवीन भाई की तरफ से स्पॉन्सर हो रखा है। तो आज हम कहीं जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं घूमने डिसाइडेड नहीं है जो हर बार की तरह हमारा होता है। मोहित बताएगा कहाँ जा रहे हो भाई। हमें तो फुल ऑन गियर हूँ भाई मैं कहीं भी निकल लूंगा। चलो दो बंदे हमारे वहाँ खड़े मिलाते हैं आपको। लेट्स गो मुखौटा ऊपर करो। ये हमारे सुशी भैया। हेलो भैया। हेलो भैया। ये हमारे सिद्ध भैया। अरे आप तो हमें देख ही रहे होंगे कुछ दिनों से। ये रोज दिख रहा है ब्लॉग में इसको तो मारेंगे अभी। अभी हम चलते हैं लक्ष्य जिसके यहाँ नवीन हमको वहीं पे मिलेगा हमारे साथ में अभी ठीक है इसलिए ब्लॉग हमने स्टार्ट करा। ठीक है मिलते हैं आपको। तो गाइस फाइनली हम उसी जगह पे वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने अपना पहला व्लॉग स्टार्ट करा था। और इस बार अलग कुछ और है कि उस टाइम हम सिर्फ दो लोग थे और अब देखो कितने लोग हो गए। अभी दो तीन चार पाँच छह सात आठ और दो और अभी और है दस। आज भी हमारा एक ट्रिप प्लान हुआ है तो पता नहीं अभी मतलब डिसाइडेड तो हो गया कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बाकी बटोने ना आपको बता दे होगा स्टार्टिंग में सस्पेंशन तो दे दिया। सस्पेंशन दे दिया परसों हम गए थे उस तरफ आज हम जाने वाले इस तरफ तो बने रहना। वैसे टाइटल थंबनेल से पता चल गया होगा बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जब तुम्हारा ग्रुप बड़ा होता है ना तो एंजॉय भी अच्छे से होता है और घूमने का मजा भी अलग हो जाता है। गाइस फाइनली अभी हम सब ने डैम पार कर दिया और ये आज के हमारी स्क्वाड ये घनश्याम भाई अपने दोस्त के साथ। हेलो कर दो घनश्याम भाई। हेलो गाइस। और ये हमारे अहमद दबोनी ये हमारे सिद्धार्थ चौहान। हेलो सर हाउ आर यू। और ये हमारे अरे भोपाली तुम भी यार मनक्ष भाई आ चुके हैं भोपाल से फाइनली वापस हमारे ब्लॉग में इतने टाइम बाद हाई तो बोले अभी और इसको। हेलो गाइस ये हमारा चबीर सिंह है। और ये हमारे बबलू भाई। क्या हाल चाल बबलू भाई सब बढ़िया ना। और लोगों से मिला रहे। ओहो कैमरे से कैमरा टकराएगा यू या भैया ब्लॉगर ही ब्लॉगर है गाइस टाउन में देखो यहां पर एक्साइटेड आज हमारे सुशांत भाई कैसे हो कैसा लग रहा है यार बड़ा मजा आ रहा है। और भी है यार कोई दिख रहा है यार यहां कोई दिख तो नहीं रहा यार वैसे मुझे अच्छा। अरे मैन इन ब्लैक। ओहो राजेश भैया कैसे हो आप। हम बढ़िया हैं अभी तक इतने हम 10 लड़के हैं और पीछे हम देख सकते हैं हमारे कहां हैं हम अभी। और अभी हम बता ही देते हैं अभी जा रहे हैं हम देवप्रयाग की तरफ। तो अभी टाइम हो चुका है 1 बज गया है थोड़ा लेट तो नहीं हुआ पर इंजॉय करते करते अपना मस्त आएंगे। और यार टिहरी के जो नज़ारे ना आजकल लास्ट व्लॉग जिसने नहीं देखा ना पहले यार व्लॉग देखो लास्ट हम मस्त बनाना हूँ। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, never gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, never gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly. अभी हम सब फ्यूल अप करा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। तो अभी सबकी गाड़ी प्यासी पड़ी हुई थी यहाँ देखिए तो भर रही है भयंकर। 1200 का तेल ही खाएगी 300-400 का ही खाएगी 300-400 का ही। और वो तो खैर पूछो मत उसको पूछो ही मत उधर वाली को पूछो ही मत। कि हमारे सुशी भाई बहुत स्लो चल रहे हैं कारण बताइए सुशी भाई आप इतना स्लो क्यों चल रहे हो। भाई ये जो जुपिटर है जुपिटर 40 उसकी टॉप स्पीड है भाई ग्रह अच्छा है। मैं बोल रहा हूं आज के बाद गाइस स्कूटी लेना मुझे देख लो नाम पढ़ लो ये नाम बता दिया जुपिटर 40 से ऊपर तो जा ही नहीं रही गाइस क्या करें हम तो पीछे चल रहे हैं
इन्होंने नाश्ता पानी सब कोई नहीं, अब इनकी वजह से हमें स्लो चलना पड़ेगा गाइस। अब मेरे को भगाना पड़ेगा, मुझे लगता है इसके एक्सीलेटर पूरा हाथ पे तोड़ना पड़ेगा। ग्रुप का कॉमेडी मैन पर्सन है, एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना ग्रुप में, वरना ना फुल प्रमोशन। आपको मिला ऐसे दोस्त? देखो पेट्रोल पंप से छोड़ के आके मुझे 1 किलोमीटर पैदल आ रहा हूँ गाइस, मैं हालत देखो मैं थक चुका हूँ। चलो गाइस आगे मिलते हैं, तो हम मजे कर रहे हो गाइस। अभी जा रहे हैं यार, चंद्रवदनी मंदिर दिख रहा है, जाकर दिखा जाऊंगा सामने वो हमारा चंद्रवदनी मंदिर। 2000 years later गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं हिंडोला खाल, और यहां से अभी है 25-26 किलोमीटर देवप्रयागर, और ये मेरी मौसी का ससुराल भी है। तो एक बार मैं बहुत पहले आया था, उसके बाद अभी आ रहा हूं इस रोड पे। ये देख के अच्छा लगा कि यहां कम से कम चहल पहलते हैं। तो भाई हर जगह तो डेड हो रहा था भाई। ओके रंदी, मैं आपके गाँव पहुँच चुका हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखो आप तो नहीं आ पाए, पर आपको दिखा सकता हूँ। सॉरी गाइस, मैंने हिंडोला खाल बोल दिया था, यहाँ अभी जगह का नाम है जामनी खाल, कुछ ऐसी ही। देखो देखो व्यू, देखो यार तुम, अभी धूप में इतना नहीं दिखेगा पर जितना दिख पाएगा। देखो अभी धुंध हो रखी, जब बारिश आती है पूरा हमारा, देखो जैसे पहाड़ होते हैं ना पूरे दूर दूर तक, अभी थोड़ा धुंध के कारण नहीं दिख रहे। 2000 years later गाइस, अभी राइडर स्वैप हो चुके हैं, अभी चला रहा हूं मैं बब्लू की स्कूटी। पीछे कौन है? पीछे कौन है? सब तो पीछे ही है, तुम ही आगे आगे चलो। तो गाइस अभी हम सब मिल चुके हैं, आगे पीछे हो गए थे ना, होते ही है जब साथ में चल रहे होते, कुछ आगे कुछ पीछे, ऐसा लग रहा है ब्रो। क्या खा रहा है तू? प्रमोशन मत कर यार। चलो ठंड लग रही है। राजा बाबा, राजा ठंड लग रही है। देखो दवा का मतलब हर बार कोई टैबलेट नहीं होता, कई बार सिर्फ और सिर्फ खुली हवा में सांस लेना दवा की तरह काम करता है। ऐसे ही रस्तों पे निकल जाना। A few minutes later गाइस, हमारी मंडली पहुंच चुकी है, अब हम देवप्रयाग सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। हाँ भाई सुशी भैया, कैसा मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। इतनी बात में ना, नहीं 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 रोड ब्लॉक कर दी इन्होंने यहाँ पे। भाई सुशांत क्या कर रहा है? भाई जी मैं कुछ कर रहा, मैं तो उनके पीछे पीछे आया था। भाई क्या कर रहा है? लग सटा ना। तो दगड़े हम कुछ घंटों की जर्नी के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। अभी जो संगम है मेन देवप्रयाग का, जहाँ दो नदियों का संगम होता है, वो अभी नीचे पे है। अब यहाँ से थोड़ा पैदल जाएंगे, यहाँ पे सबने अपनी गाड़ियाँ लगा दी। भाई अभी देखो वहाँ पे संगम है देवप्रयाग का, और ये ब्रिज है, और अपने गाइस भी आ चुके हैं।
डाली डाली फूलों की मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। अरे हमारा सुंदर सा देव प्रयाग, देवों का प्रयाग, देव प्रयाग। फाइनली पहुंच चुके हैं संगम घाट देवप्रयाग। हम जा रहे हैं गाइस संगम की तरफ, जो कि मेरे आंखों के सामने अभी दिखाता हूं आपको। दो मिनट सब्र करो, वो आपके सामने सामने। गाइस फाइनली अभी हम संगम में पहुंच चुके हैं और ये रहा देवप्रयाग हमारा सुंदर सा। ये आ रही यहाँ से अलकनंदा और यहाँ से आ रही भागीरथी। कैसा लग रहा आपको गंगा सामने से देखा? मुझे अलग नदी बहुत प्यारी। वैसे तो बोलते उनको कैसा लगा? वैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम था ये जो हम देवप्रयाग आए, इन लोगों का भी फर्स्ट टाइम है। बताओ भाई। मेरा नहीं। अच्छा, ये पहले बार सपनों में आया था? पहली बार सही में आया था मैं। हाँ आ रखा है, देख रहा हूँ ये भी इतना सा था। सुस्ती व्हाट इज योर व्यू? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा दिन गार्डन गार्डन हो चुका है। यहाँ पे आके मुझे बहुत सुकून मिलता है। भाई पाप ढूंढे आज जितने भी करे लाइफ में, थोड़ा गंगा मैया हरिद्वार जाने से अच्छा है अभी यहाँ पे एक पाप धुल जाए, नाले एक डुबकी मार ले सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ पर सुन, पर खुद मत धुल जाइयो यहाँ से। पीस तो है भाई, बहुत पीस है, 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 वो बहुत पीस होते हैं। ले ले हम थ्री इडियट्स पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। बिल्कुल यहाँ पे गांव के पास पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। ये हमारा संगम, ये रही अलकनंदा और ये आ रही यहाँ से भागीरथी और रही हमारी गंगा मैया और ये रही हमारी आगे मिलके गंगा मैया बनाई। ये हमारी भागीरथी सारी भागीरथी नदी। आपको यहाँ कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ से देखो कितनी सारी मच्छर हैं। मिरेकल मिरेकल। ये कौन सी ब्रीड है ये नहीं पता मुझे, बस यहाँ बोल दिया ऑन कैमरा पकड़ लूंगा। ये देखो हमारी देहरादून की स्क्वाड, एक बार यहाँ देख लो भाई। मैं तो आई नहीं रहा। बोल गंगे मैया की जय। घनश्याम भाई लड़ा रहे हैं मछली भाई। अभी हम देखो मछली को चारा खिला रहे हैं, घनश्याम भाई लेके आए उनने नाम बताया। ये सारी मछलियाँ काला काला दिख रहा है स्पॉट इतना। अरे दिख रहा होगा अपने। हमें अच्छी सद्बुद्धि देना और अच्छे से प्लेसमेंट लग गया हमारी। बस बस मेरो पहाड़ी के राज महा जी, लंब चौड़ो मेरो खेतों में हेटना मैं सो मचया प्यार बड़ा जी। देव भूमिया को नाम है पढ़ रो, देव तो का यहाँ राज है चलो, शांति पूर्ण तू राज में आ रे, गो मेरो सबसे खास है देखनो, ठंड हवा चले ठंड चुपानी, बारह महीने से ठंड में नानी, जल्दी से जानिया जल्दी जग जानिया, दुख में सारे साथ निभानी, ऋतु प्यारी ऋतु सादी भी चलनी, सीधी बोली भाषा मन में लग। A few minutes later, अभी सब अपने पाप धुल रहे हैं देखो। बोल गंगे मैया की। Oh my God, I am really very very sorry. मैंने जितने भी पाप किया मुझे माफ करना। माँ मुझे जितनी मारे इतनी लगे था, मैं डिलीट कर रहा हूँ अब मैं नए पाप और करूँगा। इसकी कॉमेडी कहीं खत्म नहीं होती भाई। A few minutes later, तो हमारे भैया काफ़ी टाइम बाद टी रहा है और सच में यार मतलब एक लंबे टाइम के बाद हमारे दोनों का गेट टुगेदर हुआ, ऐसे घूमना हुआ है तो। और ऊपर से मेन बात थी घूमना तो हुआ था बट अपने शहर टिहरी में नहीं हो पाया था पहाड़ों में, तो एक वो भी चीज़ अच्छी है और दूसरे काफ़ी टाइम बाद भाई भाई होता ना आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोनों बैठ के बस यहाँ मस्त भाई भी पीसफुल है। उस टाइम सिद्धार्थ भैया भी हमारे साथ। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू से हेलो हेलो, आप कंटिन्यू रखिए। ये हमारा राजेश है जो कि ब्लॉग बिगाड़ने में उस्ताद है, मतलब मैं जितने भी शॉर्ट्स ले लूँ आपको एक कुछ ना कुछ ऐसे बोल देगा हरकतें कर देगा मुझे शॉर्ट डालना मतलब हटाना पड़ता है। बताया कि पानी का लेवल क्यों बढ़ रहा है और ये पानी का लेवल बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, अभी तक हम वहाँ तक जा पा रहे थे पर वहाँ तक पानी। ये दिख रहा है आपको, ये
इस नदी का भी ये बाहर से हमें दिख रहे थे, यहाँ पे बाहर वहाँ पर दिख रहे थे हमें, और जैसे ही ये आदमी उतरा, जैसे ये अपने पाप धलने उतरा और नदी ने कहा बस हो गया, कुछ ज्यादा भारी थे मेरे पाप। कह रही गाइस, एक होता है ना जब तुम किसी भी धार्मिक स्थल जाते हो या फिर कुछ ऐसी जगह जाते हो जो तुम्हारे बोलते हैं ना संस्कृति से जुड़ी होती है, तो तुम्हें वहाँ अलग ही एक वाइब आती है, मतलब वाइब आए यहाँ पे हमें पॉजिटिव वाइब से आ रही है। तो दोनों भाई बैठ के बस आराम से पीसफुल नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं और शाम भी ढल रही है, हम सनसेट तो नहीं देख पाए पर थोड़ा लेट हो गया था, पर कोशिश ये रहेगा कि सनसेट होते हुए रुके। इनफैक्ट नो वॉट, बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ, जब ज़िंदगी में कुछ हारो ना या ज़िंदगी से हारो तो एक बार यहाँ आके डुबकी लगा लो, नहीं चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी बट हाँ तुम्हें लड़ने की ताकत ज़रूर आ जाएगी। जय माता दी। गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्लो बढ़ने लग गया पानी का, और देखो हमारे साथ आंटी जी। आंटी नमस्ते, आंटी हाई कर दो कैमरे पे, हाई कर दो, ब्लॉग में आ रहे हैं आप। ये हमारी आंटी जी, अरे इधर तो दिखा, अमित बडोनी की, मुझे इतना शरीफ बच्चा हमारा। देखो ना भागीरथी रिवर का ना पानी बढ़ने लग गया, तो इन्होंने अभी यहाँ से बोला कि ऊपर चल जाओ, तो भी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ क्योंकि पानी बढ़ने लग गया। पर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया अच्छा था, सुकून भरा। अभी चलते ऊपर, देखते क्या करते हैं, फिर निकलेंगे घर की तरफ। फाइनली टाइम आ चुका है गाइस, इस जगह प्यारी सी जगह को छोड़ा, हम निकल चुके हैं देवप्रयाग से, अब देखते हैं हम कल कहाँ जाते हैं। आज का दिन तो हमारा ऐसा मस्त था, पीसफुल था, देखते हैं अब कल के क्या प्लान बनते हैं। बस इस वीडियो में आज तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय कर दिया राजेश एक बार, बाय गाइस। गया है पुराणों में यहीं से जाती है स्वर्ग की सीढ़ी, रातों को गुजरो तुम डांडों से डर लगता भूत न मांग ले बीड़ी, यहाँ झरने और नदियाँ किनारों की आवाज, ठंडी हवाएं चले पहाड़ों के पास, शहर की टेंशन का यही जवाब, यहीं रहना चाहता बस इतना सा ख्वाब, ऊंचे पहाड़ ऊंचे हैं पेड़, ढलानों में यहाँ बकरियां और भेड़, घास की चादर और तितलियों का ढेर, वो रास के फूल।